नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेहवाल आपका और पंकज त्रिपाठी जी का एक साथ स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, बहुत दिनों बाद एक बार फिर पंकज भाई पटना आए हुए हैं और पटना के कालिदास रंगालय में हैं, जहां से इन्होंने नाटक शुरू की, मित्रों से बातचीत की, फोटोग्राफिंग हुए और कालिदास रंगालय के सचिव अभिषेक जी ने गमछा उड़ाकर पंकज भाई का स्वागत किया। आइए देखिए ये सारे नज़ारे। मेरे 20-25 साल पहले ही ऐसे ही भटके हुए आए थे। मैं पता किया था कि यहाँ ट्रेनिंग होती है। सुनील भाई थे तब, उनका साइकिल स्टैंड था। आते हैं कि नहीं सुनील भैया? एंजल अकाउंट नहीं जाता बहुत ज्यादा। हाँ, ऐसे हो गया। हाँ, संदीप जी क्या हो जाएगा? मैं आपको जानता नहीं हूँ ना, आज ही परिचय हुआ है ना। कहीं आप कुछ गड़बड़ काम करेंगे तो लगेगा इधर मिल रहे हैं, ऐसे गला मिल रहे हैं। तो आइए ना, वाली है ये। हाँ आना, अरे गंगीत है, ज्यादा नहीं, 5-5 रुपया हमको दे देगा। कालिदास के कार्यालय में लोगों से मिलने के बाद बाहर निकले और अपने पुराने मित्रों के साथ अपने पुराने अंदाज में हंसी मजाक लंबी बातचीत की। लाल टी शर्ट में खड़े रणधीर कुमार की बात चल रही है। हमको फोन किया तो हम लोग भेज पता है कि चाचा कहीं गए थे भी वो अटल देखने, हमने तो भेज ये हरी है, हरी रवि सुनील बिहारी विजेंदर जमाल भाई से बातचीत हो ही रही थी कि अचानक पंकज भाई का पुराने मित्र अमित फ्रॉड पहुंच गए। फिर कहना क्या था, फोटो सेशन का दौर फिर शुरू हुआ। हम लोगों ने पंकज भाई को विदा किया और ये प्लान की कि पंकज भाई की फिल्म कब देखा जाए, किस हॉल में देखा जाए। तैयारी जारी है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।